कभी गैस पे दूध उबलता छोड़ देती हो, कभी दाल में नमक कम डाल देती हो। तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। और तुम्हारी आदतें, कहीं पे भी कुछ भी रख देते हो और फिर सबको सही जगह मुझे रखना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है ये सब करने में मुझे मजा आता है? मजा कहाँ से आएगा, तुम ये सब मन से करती तब ना। तुम्हारा मन तो बस मेरे साथ अपनी चिड़ उतारने में लगा रहता है। तुम ना अपने ऑफिस के काम का फ्रस्ट्रेशन मुझ पे मत उतारो। छोटी छोटी बातें चिक चिक चलती रहती है तुम्हारी। चिक चिक मैं करता हूँ कि तुम करती हो चिक चिक? अगर बॉस बनना है ना, जाके अपने कंपनी में बन के दिखाओ। मेरे सामने क्या बॉस बन रहे हो, गुलाम हो मैं तुम्हारी? यही डायलॉग है तुम्हारे पास? बस मेरी कंपनी में आकर देखो, किसी की चू तक नहीं निकलती मेरे सामने। बस एक तुम्हारी चू बर्दाश्त करता हूँ मैं। आईने के सामने देखो और अपनी बड़ाई करो, कम से कम खुद का चेहरा देखोगे, झूठ तो नहीं बोलोगे। शेखर मुझसे बेहतर ना तुम्हें कोई नहीं जानता। मैं जानती हूँ एक चू नहीं निकलती होगी, पैंट से सीधा सू निकलती होगी तुम्हारी। पिछली बार भी तुम्हें वार्निंग दिया था कि अगर दोबारा मुझ पे हाथ उठाना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद है मुझे। क्या करेगी मेरा, मारेगी मुझे? वो तो निशाना चूक गया मेरा। अच्छा होता तेरा सर फूट जाता। तो ऐसी बात है, ठीक है हाथ उठाओ मुझ पे, हाथ उठाओ और फिर देखना कि मैं क्या करती हूँ। ले अब बता क्या करेगी मेरा, कुछ नहीं कर सकती तू मेरा। तुम्हारी शादी के तो 2 साल भी नहीं हुए, और सबसे बड़ी बात तुम्हारी लव मैरिज थी, उसके बाद ऐसा रिलेशनशिप। कमला मैं ये सब सुन के हैरान हूं। तो और हैरानी की बात सुन ले, उसके आगे ना कोई रिलेशनशिप भी नहीं होगा। मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया कि तुम मेरी मदद करो, मेरे जले पे नमक नहीं लगाओ। टॉन्ट कर रही हो तुम मुझे माया? कमला मैं बात कर रही हूँ तुमसे, मैं कोई टॉन्ट नहीं मार रही हूँ तुम्हें। और वैसे भी पति पत्नी के आपस का झगड़ा है, खुद तीसरा उसमें कुछ नहीं कर सकता है। तुम्हारे इस ज्ञान से ना मेरी लाइफ रिलेशनशिप सब ठीक हो जाएगी तुम्हारी वजह से। थैंक यू। तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनो, तुम बहुत ज्यादा गुस्से में, मुझे लगता है तुम कुछ गड़बड़ कर दोगी। देखो रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलते, अपने ईगो को कंट्रोल में रखना पड़ता है। तुम क्यों नहीं समझ रही इस बात को? 3-4 बार पहले भी ना ये मुझे मार चुका है, लेकिन हर बार मैं चुप रही हूँ रिलेशनशिप की वजह से। माफ करती आई हूँ मैं उसे। तुम्हें ना सिर्फ मेरी गाल पे ये तमाचे का निशान दिख रहा है, लेकिन इस बार उसने मेरी गाल पे नहीं दिल पे मारा है, जिसका निशान कोई नहीं देख सकता। चैलेंज रखी है उसने कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या ये मान लूं मैं? तुम मुझसे क्या हेल्प चाहती हो? तुम सीधा सीधा बोल दो, तुम डिवोर्स लेना चाहती हो या पुलिस में कंप्लेन करना चाहती हो? मैं फाइल करवा देती हूँ तुम्हारा केस। नहीं माया, मैं नहीं चाहती कि उसके पास कोई भी बचने का रास्ता हो। वो नहीं बचेगा। हम उस पर ऐसे ऐसे आरोप लगाएंगे, उसको उसको जमानत नहीं मिलेगी और वो आजीवन जेल में रहेगा। नहीं, इसमें हो सकता है कि वो किसी ना किसी तरह से बच जाए। बच जाए से क्या मतलब? अब क्या करना चाहती हो तुम? जान लोगी उसकी? तुम होश में भी हो? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? खून सवार हो गया तुम्हारे सर पे, वो भी अपने पति के लिए। माया तुम मेरी होश की चिंता मत करो, तुम बस मुझे इतना बताओ ना, तुम मेरी मदद करोगी या नहीं? करना देखो,
तुम ना अभी बहुत गुस्से में हो, तुम्हें तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। तुम्हें काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, जैसे तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा तुम वापस आ जाना। मैं मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं यहीं पे रुक रही हूँ, मुझे बस इंतजार है कब वो ऑफिस से वापस लौट के आए। अब या तो मैं उसे मरा हुआ देखूंगी या तुम मुझे मरा हुआ देख लेना। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपने आप को इसमें अकेला मत समझो। वो शेखर को मारना है ना, हम साथ में कुछ करते हैं। तुम बस मुझे 2 घंटे का समय दो, मैं कुछ एक ऐसी चीज का बंदोबस्त करती हूँ जो तुम उसको चाय में मिला के पिला देना। अपने पास 10 मिनट के लिए उतर देगा और उसका काम खत्म। बस हमें ये देखना होगा कि हम उसकी लाश को ठिकाने कहाँ लगाएंगे। आइडिया ठीक है ना? सॉरी माया, इतनी बुरी तरीके से मैं तुमसे पेश आई हूँ। कोई बात नहीं कंगना, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी क्या हालत है। तुम बस थोड़ा कूल हो जाओ, मैं नहीं देख सकती हूँ तुम्हें ऐसे दुखी। और जिसने तुम्हें परेशान किया है ना, उसको नहीं छोड़ेंगे, उसे भुगतना तो पड़ेगा। तो ठीक है, मैं निकलती हूँ, उस चीज का इंतजाम करके लाती हूँ, और तब तक तुम अपना ख्याल रखना, बी वेरी केयरफुल। हो सकता है शेखर ने भी कुछ प्लान किया। ओके, कहाँ जा रही है? उससे बात ना करने का मन बना लिया क्या तुमने? मुझे बहुत काम है किचन में, रात का खाना भी बनाना है। रात का खाना बनाने की जरूरत नहीं है, मैं खाना लेकर आया हूँ, वो देखो सामने टेबल पर पड़ा है। तुम खाना अभी खाओगी या बाद में? मैं बाद में खा लूंगी, तुम चाय पी लो, ठंडी हो रही है। खाना भी ठंडा हो रहा है, अगर बाद में खाना है तो कोई बात नहीं, गर्म करके दोनों एक साथ में खाएं। लेकिन उस खाने में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, जाओ जाकर उसे फ्रिज में रख दो नहीं तो पिघल जाएगा। तुम अपना ख्याल रखो, हो सकता है शेखर ने भी कुछ प्लान किया। घबरा क्यों रही है? क्या बात है? जाओ जाकर रखो। हाँ मैं रखती हूँ।
सकती हो शेखर? तुमने चाय में कुछ मिलाया था क्या? शेखर तुम ठीक हो ना? शेखर मैं ठीक हूँ। शेखर तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। शेखर तुम्हें कुछ नहीं होगा। शेखर देखो मुझे। शेखर हेलो माया, शेखर को कुछ हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? व्हाट, क्या बकवास कर रही हो तुम? देखो कंगना, अगर उसने वो पी लिया है तो अब हम उसे नहीं बचा सकते। नहीं प्लीज माया, प्लीज ऐसे मत को, कुछ तो कर सकेंगे ना? तुम आ जाओ ना प्लीज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कांप रही हूँ, प्लीज जल्दी आ जाओ प्लीज। अच्छा ओके कंट्रोल योरसेल्फ, मैं आ रही हूँ वहाँ पे। ठीक है मैं आ रही हूँ वहाँ पे, प्लीज जल्दी आना। शेखर तुम ठीक हो जाओगे? शेखर हमारा ज्यादा समय नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं माया ऐसे मत कहो, हम डॉक्टर को बुला सकते हैं ना, ऐसे बचा सकते हैं। पागल हो गई हो क्या? क्या कहोगी तुम डॉक्टर से? ये इसने कैसे पिया? तुमको जेल जाना। देखो ना हमारे पास टाइम नहीं है, तुम बस आगे की सोचो, हमें इसे ठिकाने भी तो लगाना होगा, वो भी ऐसी जगह जहाँ पुलिस तुम तक ना पहुंच सके। कर लो, मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन प्लीज शेखर को बचा लो, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, सच में तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। कमना सच तो ये भी है ना कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। माया प्लीज, ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, अब हमारे पास समय नहीं है। तुम बस शेखर से जाके माफी मांगो, क्योंकि आज के बाद शायद तुम अपने आप को भी माफ नहीं कर पाओ। जाओ उसे माफी मांग लो, जाओ कमला। शेखर मुझे माफ कर दो शेखर, I'm sorry, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शेखर ये सॉरी हम लोग पहले भी तो बोल सकते थे। तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, I'm fit and fine। पर कैसे? कैसे होगा, जहर तुम्हारे अंदर घुला था, उस चाय में नहीं। कमला तुम्हारे अंदर का जहर, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नफरत इतना बढ़ गया था कि तुम्हें समझाने पर भी कम नहीं हो रहा था, इसलिए I'm sorry मुझे ये ड्रामा करना पड़ा वो सब खत्म करने के लिए। गुस्से में इंसान सब कुछ भूल जाता है ना, साथ बिताए हुए पल, साथ देखे हुए सपने और अपनों को खोने का डर। गुस्से में बस कुछ भी कर बैठने के लिए तैयार है हम। अब तुम सोच के देखो, ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ ये एक ड्रामा था, और अगर ये सब कुछ रियलिटी में होता तो क्या तुम ये सब कुछ ठीक कर पाती? कहना ये हमारी जिंदगी कोई खेल नहीं है कि तुम हार और जीत के फैसले में लग जाओ, ये जिंदगी एक मौका है रिश्ते बनाने का और उन रिश्तों के साथ रहने का। रिश्तों में ललकार की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और खासकर पति पत्नी के रिश्ते में तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारा जहर है रिश्ते खराब करने के लिए, लेकिन सिर्फ एक सॉरी उसे बचा सकता है। आजमा के देख लेना, कभी मेरे रिश्तों में भी जान डाल देते हैं। अब मैं चलती हूं, तुम अपना ख्याल रखना, जल्दी मिलेंगे तुमसे। और हाँ एक और बात, वो जो चाय मैंने पी ना वो
तो ठंडी हो गई थी और तुम उसमें चीनी डालना भी भूल गई थी। डोंट वरी, ना मैं तुमसे कुछ कहूंगी और ना ये शेखर तुमसे कुछ कहेगा, और अगर कुछ बोले ना तो दो की जगह चार चम्मच चीनी डाल देना, इसकी कड़वी जबान है ना वो भी मीठी हो जाएगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय। वेरी सॉरी शेखर, पता नहीं गुस्से में मैं क्या कर बैठी। मैंने भी गुस्से में ना जाने तुम्हें क्या क्या कहा। आई एम रियली सॉरी। आगे से मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं लड़ूंगी। लेकिन मैं तो लड़ूंगा। लड़ूंगा नहीं तो तुम्हारी गोद में सोऊंगा कैसे? I'm sorry, अब आगे से कभी नहीं करूंगा।